हर स्पोर्ट्स की जरूरी न्यूज पाने के लिए वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज पीडी। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ ट्रांसफर अपडेट और कुछ कंफर्म न्यूज। तो चलिए कुछ ट्रांसफर अपडेट से शुरू करती है। पहला अपडेट, इंडियन सेंटर बैक राजू गायकर जो केरला ब्लास्टर एफसी में लास्ट सीजन ज्वाइन किया था, आप इस बंगाल एफसी में जा सकती है क्योंकि संजय जिगन आप इंजुरी से वापस ज्वाइन कर रही है और केरला ब्लास्टर में टीरी को भी कंफर्म कर लिया है अगले सीजन के लिए और इसी में राजू गायकर की गेम टाइम मिलना मुश्किल लग रहा है केरला ब्लास्टर एफसी में। और एक रूमर्स निकल के आया कि जमशेदपुर एफसी इंटरेस्ट दिखा रहा है हंगेरियन फॉरवर्ड निमांजा निकोलिक। निमांजा निकोलिक हंगेरियन नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट किया और 5 गोल भी डाला है। प्रोफेशनल क्लब करियर की बात करें तो ज़्यादातर हंगरी की लीग में खेला और अमेरिका की मेजर सॉकर लीग में भी शिकागो फायर क्लब से खेल चुका है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल डालने और एसिस्ट करने में बहुत माहिर है। अगर जमशेदपुर एफसी कन्फर्म कर देती तो बहुत मजबूत होगा स्क्वाड अगले सीजन के लिए। अगर कुछ भी अपडेट निकल के आता है निमांजन निकोली के बारे में तो मैं जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में बनाकर। दूसरा ट्रांसफर रूमर्स, ताजिकिस्तान फॉरवर्ड कोमरून तुर्सुनोव जो पिछले सीजन आई लीग में मोहन बागान की तरफ से खेला था और टाइटल जिताने में भी मदद किया था मोहन बागान को। आप सुनने में आ रहा है कि केरला ब्लास्टर एफसी की नया कोच किबो बिचुना जो फॉर्मर मोहन बागान की हेड कोच थे वो ताजिकिस्तान फॉरवर्ड कोमरून तुर्सुनोव को भी अपने साथ केरला ब्लास्टर में ले जाना चाहते थे, इसलिए केरला ब्लास्टर की मैनेजमेंट बात चला रहा है ताजिकिस्तान फॉरवर्ड के साथ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना सो दैट मैं कभी भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिले और आप लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं होगी। अब बात करती है कुछ कंफर्म प्लेयरों के बारे में। पहला प्लेयर है इंडियन मिडफील्डर रेनियर फर्नांडिस को और 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 2022-23 सीजन तक मुंबई सिटी एफसी में खेलेगा रेनियर फर्नांडिस। रेनियर फर्नांडिस टोटल 34 मैच खेला, उसमें से 3 गोल और 3 असिस्ट किया मुंबई सिटी एफसी में खेल के। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सुभाषिस रॉय चौधरी को रिटेन कर लिया है अगले ISL सीजन के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो सुभाषिस रॉय चौधरी हर मैच में बेहतरीन गोल सेव भी करती है और मोटिवेट भी करती है अपने टीम मेंबर को मैच जिताने में और पिछले साल नंबर ऑफ गोल सेव में उसकी नाम दिया गई पहले स्टैंड पर। एफसी गोवा ने विदेशी डिफेंडर मर्तदा फॉल को और 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, फिजिकल प्लेयर है, उसकी स्पीड और बॉल को डिफेंस जोन से बाहर रखने का क्षमता रखती है। 2018-19 सीजन से अब तक 40 मैच खेला और 9 गोल लगाया। मर्तदा फॉल एक ऐसा खिलाड़ी है जो डिफेंड करके अपनी टीम को बचाती है और कभी कभी गोल डाल के अपनी टीम को जिता देती है और सभी एफसी गोवा की फैन यही चाहोगी कि उसकी परफॉर्मेंस और मजबूत हो अगले इंडियन सुपर लीग सीजन 7 के लिए। फिर बात करें तो इंडियन फॉरवर्ड सिम्बॉय हॉकिप को बेंगलुरु एफसी ने और 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 2020-21 सीजन तक खेलेगा सिम्बॉय हॉकिप बेंगलुरु एफसी में। परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल डालने की क्षमता रखती है और कमाल की बात तो लास्ट सीजन सिम्बॉय हॉकिप ने रिकॉर्ड बना लिया। AFC कप क्वालिफायर में टनिस साइड पारू एफसी के खिलाफ 4 गोल डाल के इंडिया का पहला प्लेयर जो आई लीग इंडियन सुपर लीग और AFC कप में हैट्रिक लगा पाया। हम इंडियन फैंस यही दुआ करते हैं सिम्बॉय और अच्छा खेल दिखाए अगले सीजन में भी। अगले प्लेयर ATK FC की स्टार प्लेयर इडो गार्सिया 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया। सूत्रों के अनुसार इंडियन सुपर लीग क्लब के बीच इडो गार्सिया की बहुत मांग थी। इस सीजन में भले ही उन्होंने हर मैच की शुरुआत नहीं की लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया और अपनी टीम को टाइटल जिताने में भी मदद किया। टोटल 16 मैचों में उन्होंने 6 गोल और 3 असिस्ट किया। फिर बात करती है स्पेनिश मिडफील्डर इडुबेडिया ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है एफसी गोवा के साथ। लास्ट सीजन इडुबेडिया सिर्फ 5 गोल लगा पाया 10 मैच खेल के। मिड सीजन में इंजुरी की वजह से एफसी गोवा को उसकी पोजीशन होगोबुमो को देना पड़ी। परफॉर्मेंस की बात करें तो इडुबेडिया बहुत स्किलफुल प्लेयर है, उसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और बॉल कंट्रोल से भी जाना जाता है। फैंस यही आशा कर रही होगी अगले सीजन में भी इडुबेडिया की परफॉर्मेंस और अच्छा हो और इंजुरी की प्रॉब्लम ना हो। बात करती है नाइजेरियन फॉरवर्ड बार्थोलोमे ओकपेक्से को रिटेन कर लिया केरला ब्लास्टर एफसी ने अगले सीजन के लिए। बार्थोलोमे ओकपेक्से लास्ट सीजन सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर में से एक माना जाता है। ओकपेक्से इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से खेला था और 18 मैचों में 12 गोल
डाल के नॉर्थ यूनाइटेड एफसी क्लब की हाईएस्ट गोल स्कोरर भी बनी। फिर लास्ट सीजन फॉर्मर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का हेड कोच एको सतोरी से अपने साथ केरला ब्लास्टर में ले गई। फिर कुछ मैच में इंजुरी होने के कारण भी उसने 16 मैचों में 15 गोल डाल के केरला ब्लास्टर एफसी का हाईएस्ट गोल स्कोरर बने और इंडियन सुपर लीग 2019-20 सीजन की टॉप गोल स्कोरर में भी उसकी नाम आई पहले स्थान पर। आप केरला ब्लास्टर एफसी की फैंस यही दुआ कर रही होगी अगले सीजन में भी ओपेक्चे गोल की बरसात करे। बात करती है इंडियन के बेहतरीन विंगर उदंता सिंह और 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है बेंगलुरु एफसी के साथ। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, भले ही गोल डालने में इतना सफलता नहीं हुआ होगा मगर असिस्ट करने में बहुत माहिर है। याद होगा 2019 एएफसी कप की पहली मैच इंडिया और थाईलैंड के साथ मैच में उदंता की बेहतरीन 2 असिस्ट और 4-1 से इंडिया जीती थी मगर लास्ट सीजन ISL में जितना सोचा था इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया। अब फैंस यही होप करेंगे कि पहले का फॉर्म में वापस आए और अपने क्लब को जिताने में मदद करें अगले सीजन में भी। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकलकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।